क्वेश्चन हमारे साथ स्टूडेंट्स है, फाइंड स्क्वेयर रूट बाय डिवीजन मेथड। इस क्वेश्चन को हमने क्या करना है, इसका स्क्वेयर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड के जरिए। ये क्वेश्चन है 9th क्लास मैथ के एक्सरसाइज नंबर 6.3 से हमने लिया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। अब इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपने स्टेप बाय स्टेप इसको देखना है, और जिधर आपको मुश्किल लगे या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अब क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ आते हैं, तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन हम लिखेंगे पहले 4x4 माइनस 4x³ प्लस 13x² माइनस 6x प्लस 9। ठीक है, इधर हम क्या करेंगे, इस तरह एक लाइन लेंगे सीधा, ठीक है। देन ये हमारे साथ इस तरह एक लाइन हो जाएगा, ठीक है, एक लाइन ही हो गया। दूसरा लाइन हम इधर लेंगे। अब हम एक ऐसे नंबर इस तरह ढूंढेंगे जिसको हम क्या करेंगे, दो नंबर जिसको हम दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें और हमारे साथ क्या आ जाए, 4x4। तो वो क्या है, वो नंबर है 2x² और 2x² हम इधर लिखेंगे। अब 2 मल्टीप्लाई 2 4, और x² मल्टीप्लाई x², तो इससे आ जाएगा x4। ठीक है, अब ये 4x4 हम इससे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब ये दोनों खत्म, सही है। और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया ये रिमाइंडर में माइनस 4x³ प्लस 13x² माइनस 6x प्लस 9। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने ये वाला नंबर जो है इसको हमने क्या करना है, डबल करना है। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, डबल। तो ये हो जाएगा, मतलब इसका ये है कि ये जो कांस्टेंट है, ठीक है, इसको हम डबल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4। इधर हम लिखेंगे 4 और ये हो जाएगा x². अब इस कोएफिशिएंट को डबल करने के बाद ये जो 2 है ये हमने डबल कर दिया, जो कि 4 हो गया, और x² अपनी जगह पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 4x² के साथ एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसको हम मल्टीप्लाई करें इधर, ठीक है, और इसे क्या जाए, माइनस 4x³। तो वो क्या है, वो है एक तो होगा माइनस, ठीक है, माइनस इंटू प्लस माइनस। दूसरा है क्या, दूसरा है एक्स, एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 4x³। इस माइनस एक्स को हम इधर भी लिखेंगे, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस एक्स को 4x² और माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई माइनस एक्स से क्या आ जाएगा, 4x² माइनस एक्स से माइनस 4x³, ठीक है, और माइनस एक्स और माइनस एक्स से क्या आ जाएगा, प्लस x², समझ में आ गया आपका। अब इधर देखिए, एक लाइन और लिखेंगे, इधर ड्रा करेंगे। अब इससे इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, दोनों कैंसल। सो इसको माइनस करेंगे, ये हमारे साथ प्लस 13x² है, ये माइनस x², इससे आ जाएगा प्लस 12x² माइनस 6x प्लस 9। इधर हम क्या करेंगे, इधर देखिए 4x² अपनी जगह पे आएगा, माइनस x, इधर क्या है, x के साथ कोएफिशिएंट 1, इसको हम क्या करेंगे, डबल, जो कि 2 हो जाएगा, सही है। अब इधर हम क्या करेंगे, इधर हम एक ऐसा नंबर लिखेंगे वो एक और, जिसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें और क्या आ जाए, हमारे साथ आ जाए 12x². तो वो क्या है, इधर देखिए एक होगा प्लस, ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, 3 3 4 12, और x² अपनी जगह पे आएगा, ठीक है, और इस प्लस 3 को हम इधर भी लिखेंगे, ठीक है, इसको इधर भी लिखेंगे। अब इस 3 को 4x² के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस 12x² माइनस 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और माइनस से क्या आएगा, माइनस 3 2 6x, और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 9, सही है। अब देखिए इधर एक और लाइन ड्रा करेंगे,
तो रिमाइंडर में हमारे साथ क्या जाएगा, इधर देखिए। अब इससे इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस है, माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस, दोनों ख़त्म, ये दोनों भी ख़त्म और ये दोनों भी कैंसिल, तो रिमाइंडर हमारे साथ क्या आ गया, ज़ीरो। अब ये वाला जो अलजब्रिक एक्सप्रेशन है ये हमारे साथ परफेक्ट स्क्वायर आ गया इस अलजब्रिक एक्सप्रेशन का, ठीक है। सो जो स्क्वायर रूट है वो हमारे साथ कौन सा है, वो है 2x² प्लस माइनस, ठीक है, 2x² माइनस एक्स और प्लस 3 हमारे साथ आंसर आ गया। सो बाय डिवीजन मेथड हम किसी अलजब्रिक एक्सप्रेशन का परफेक्ट स्क्वायर इस तरह फाइंड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमारे साथ ये था, सबसे पहले हमने क्या लगाया, इधर 2x² और इधर 2x², क्यों, क्योंकि हमारे साथ फर्स्ट टर्म क्या है, 4x4, तो दोनों नंबर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 4x4, इससे इसको माइनस किया तो 0, अब ये हमारे साथ रिमाइंडर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इधर जो x² के साथ कोएफिशिएंट है इसको डबल करेंगे और वो इधर हम लिखेंगे, ठीक है, x² अपनी जगह पे आएगा। देन हम क्या करेंगे, देन हम एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे, ठीक है, जिसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और हमारे साथ क्या आ जाए, ये वाला टर्म। तो हमारे साथ इधर 4x माइनस 4x³ था, तो इधर हमारे साथ क्या, हमने क्या लगाया, माइनस एक्स, और ये भी माइनस एक्स हो गया। अब माइनस एक्स और 4x² मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4x³ आ गया, और इस तरह माइनस एक्स और माइनस एक्स को मल्टीप्लाई किया तो x² प्लस x², ठीक है, और इससे इसको माइनस कर दिया, ये दोनों कैंसिल, और इधर हमारे साथ 12x² और ये दोनों अपनी जगह पे आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने 4x² अपनी जगह पे आएगा, माइनस एक्स, इसके साथ कोएफिशिएंट 1 है, डबल किया 2x आ गया। अब हम एक ऐसे नंबर ढूंढेंगे जिसको हम मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो वो क्या जाए, 12x² तो क्या है, प्लस 3, सो प्लस 3 इधर भी लिख दिया हमने। अब इस प्लस 3 को हमने इस होल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, और रिमाइंडर हमारे साथ 0, तो परफेक्ट स्क्वायर हमारे साथ इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये आ गया। सो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।